आज नवरात्रि में नवमी की पूजा हो रही है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के हिसाब से देखें तो पीलीभीत की धार्मिक संस्कृति भी काफी पुरानी। हिंदू संस्कृति के आधार पर शहर के बीचों बीच बने यशवंतरी मंदिर का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इसकी मान्यता है कि यहाँ पर हर साल नवरात्रि में श्रद्धालु जब आते हैं तो जो कुछ भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। यहाँ पर लगने वाले मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक और मान्यता इस देवी मंदिर से जुड़ी है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड के माँ पूर्णागिरी मंदिर दर्शन करने जाते हैं वह लौटते समय माँ यशवंतरी मंदिर में आकर अपना माथा जरूर टेकते हैं। उसके बाद ही उनकी यात्रा संपन्न मानी जाती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि इस समय नवरात्रि का त्यौहार शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है, तमाम मंदिरों में लोग पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से COVID-19 भी चल रहा है तो उसके लिए खास नियम जो हैं बनाए गए हैं। क्या नियम बनाए गए हैं, किस तरीके पूजा पाठ करना है और इस मंदिर की क्या मान्यता है, इन सब बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे मंदिर के महंत पुजारी जी से, बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की। सर क्या नाम है? राजेश स्वरूप वाजपेयी मेरा नाम। राजेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर की रखरखाव करते हैं, तो क्या मान्यता है? जैसे कि शारदीय नवरात्र भी शुरू हो चुका है, नवरात्र के पूजा पाठ भी शुरू हो गया, तो क्या इस मंदिर की मान्यता है? प्रदेश की सिद्ध पीठों में से एक ये सिद्ध पीठ पीलीभीत जिले में स्थित है, जिसके मैं राजेश स्वरूप वाजपेयी महंत हूँ। मान्यता है नवरात्र की, हर साल में 4 नवरात्र होते हैं, प्रचलन में 2 हैं, चैत्र और कुंवार मास के, जिसमें कुंवार मास का हम लोगों के पीलीभीत जिले में कम भीड़ भाड़ रहती है, कुंवार में, चैत्र में ज़्यादा रहती है। यहाँ मेला विशेषकर चैत्र में ज़्यादा लगता है। 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है, 9 व्रत रहे जाते हैं, लोग 8 व्रत रहते हैं, अष्टमी कर लेते हैं, पूजन। माता के मंदिर में का महत्व है, एक राक्षस था यहाँ पर जिसका वध करने के बाद माता ने यहाँ पर विश्राम किया था और जल ग्रहण किया था, तो इसलिए यहाँ कुंड का बहुत महत्व है, जल का बहुत महत्व है। कई बीमारियाँ मैंने ठीक होते हुए देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, और पहले का मुझे किस तरीके नहीं पता। नाम था उस राक्षस का, किसका वध? नक्ता था, राक्षस था यहाँ पर रहता, जिसका वध किया था माता रानी ने, और बाल रूप में यहाँ दर्शन दिए थे, इसलिए यहाँ माता के वध करने के बाद यश फैला, इसलिए यशवंतरी देवी मंदिर नाम रखा गया माता का। जिस तरीके से बात करेंगे अब इस समय एक मान्यता और भी यहाँ पर मानी जाती है, जिस तरीके उत्तराखंड में जो है पूर्णागिरी माता का मंदिर है, तो कुछ लोगों की मान्यता है, जो मान्यता है कि वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ यशवंतरी देवी मंदिर में भी जो है पूजा पाठ किया जाता है, कुछ इस तरीके की भी कोई मान्यता है? जिले की कुल देवी भी है माँ, तो इसलिए जो भी यहाँ से दर्शन करने कहीं जाता है, माँ पूर्णागिरी जाए या कहीं भी किसी भी अन्य मंदिर में जाए, तो पहले या तो दर्शन करके जाए, कहते हैं ना माँ से अनुमति ली जाती है तभी कहीं बाहर जाया जाता है, अनुमति लेकर के वापस आ करके अपनी सुरक्षा, अपने कि मैं सही ढंग से दर्शन करके माँ आ गया, तो उसका धन्यवाद किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि माता पूर्णागिरी जाएँ या कहीं भी जाएँ, लौटते समय अपनी माँ के दर्शन अवश्य करें। ये महत्व है इस चीज़ का कि कहीं भी दर्शन करें, पूर्णागिरी करें या कहीं माँ काली जाएं, काशी चंडी जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी जगह माँ वैष्णो देवी जाएं, कहीं भी जाएं, यहाँ लौटते समय आपको दर्शन अवश्य करने चाहिए। जिस तरीके से हमने बात की मंदिर के पुजारी जी से, महंत जी से, हमने जाना, क्या कुछ मान्यता है इस यशवंतरी देवी मंदिर की और किस तरीके से यहाँ पूजा पाठ किया जाता है, और क्या क्या जिस तरीके से उत्तराखंड की जो बात की जा रही है, माता रानी पूर्णागिरी देवी माता के दर्शन करने जो भी जाता है और लौट करके यहाँ पर जो है अपना माथा टेकता है और पूजा अर्चना करता है, इसकी पीलीभीत से पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए प्रांजल गुप्ता।